Hello everyone, so welcome back. Now we'll start with exercise 3.4 and the first concept जिसके बारे में हमें जानना है वो है inscribed angle का concept. तो बच्चों सबसे पहले मैं बना दूँ आपके लिए inscribed angle, बराबर कि आप पहचानो कैसे कि आपका inscribed angle कहाँ पर है. तो ध्यान से देखो, तो दो रेज सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से, ये पॉइंट को मान लिया जाए बी है, यहाँ से निकल रहे हैं. एक का नाम आपने ए बी दे दिया और एक का नाम आपने बी सी दे दिया. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बच्चों एक एंगल बन चुका है जिसका नाम है ए बी सी. क्या नाम है इसका? ए बी सी. तो यही जो एंगल है, एंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड एंगल. एंगल ए बी सी जो है ना, वही हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है. ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छे से पहचान लो कि कैसे पहचानना है. तो ये जो एंगल बनेंगे उनके तीनों पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस पर होंगे, यानी सर्कल के ऊपर होंगे. ठीक है, एक जगह से स्टार्ट होगा, फिर सर्कमफ्रेंस के दूसरे एंड तक जाएगा और फिर वापस से आके वो सर्कमफ्रेंस पर किसी पॉइंट पर टच करेगा. ठीक है, किसी और तरीके से बन जाए. मान लीजिए हमने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया, ये P है, ये Q है, ये R है. तो क्या हम ये कहेंगे कि पी क्यू आर भी इंस्क्राइब्ड एंगल है? नहीं, पी क्यू आर इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है. ठीक है, तो पी क्यू आर इज़ नॉट इंस्क्राइब्ड एंगल. ओके, बट वी कैन से डैट ए बी सी इज़ एन इंस्क्राइब्ड एंगल. वी कैन नॉट से पी क्यू आर इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल बिकॉज इट इज़ नॉट टचिंग द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस. तो क्यू जो है ना, क्यू एक सर्कमफ्रेंस पर नहीं आ रहा है, बराबर है. तो जो इंस्क्राइब्ड एंगल का थ्योरम का प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये देखो तीनों पॉइंट ही सर्कमफ्रेंस पर होने चाहिए. दिस सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल. तो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या है वो होपफुली समझ में आ गया होगा. तो ये है इंस्क्राइब्ड एंगल. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है जिसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इंस्क्राइब्ड एंगल को? तो एक प्रॉपर्टी जान लो बच्चों, ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो एंगल ए बी सी जो है, बराबर, ये जो एंगल ए बी सी है, अगर इसे आपको फाइंड करना है तो आप इस आर्क के वैल्यू को फाइंड कर लो. कौन है आर्क? ए सी. तो इस आर्क ए सी ने इस एंगल को इंस्क्राइब्ड किया है, एंड इनके आर्क के बीच में और एंगल के बीच में रिलेशन है. एंगल कहता है भाई कि मैं आधा हूँ किसका? मेजर आर्क ए सी का. ये जो आर्क ए सी है ना, इसके मेजर का ये एंगल हाफ है. फिर से, ये जो आर्क है ए सी, ये जितना भी होगा, अगर ये 80 होगा तो ये 40 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा. समझ में आ रहा है? तो ये है इंस्क्राइब्ड एंगल की प्रॉपर्टी जिसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं. तो अब बताओ, अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा? 60. समझ में आ रहा है? आर्क का मेजर इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होता है. तो ये बात याद रख लो. क्या है बच्चों? इंस्क्राइब्ड एंगल का वैल्यू मेजर ऑफ आर्क का आधा होता है. इंस्क्राइब्ड एंगल का वैल्यू मेजर ऑफ आर्क के आधा होता है, या मेजर ऑफ आर्क क्या होगा? इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल होगा, बराबर. तो ये एकदम क्लियर कर लो अपने दिमाग में. इसी चीज़ का इस्तेमाल हम लोग सम्स में करने वाले हैं. ऑल राइट बच्चों, तो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, आप ये समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं जो एंगल इंस्क्राइब्ड होता है सर्कल के सेंटर पर. तो यहाँ पर एक बड़ा क्लियर चीज़ है कि यह है एंगल आपका ए ओ बी, बराबर, और इस आर्क ने, जिसका मैं नाम ऐसा दे सकता हूँ, बराबर, आई कैन जस्ट नेम दिस पॉइंट इन दिस मैनर. ये पॉइंट को लेके मैं अगर एक्स दे दूँ, बराबर है, तो ये आर्क ए एक्स ओ ने ए ओ बी को इंस्क्राइब्ड किया है, बराबर. तो इनके बीच में भी एक रिलेशन बच्चों. वो कहता है भाई फिर जो एंगल ए ओ बी होगा वो इक्वल होगा
मेजर आर्क ए एक्स बी को। बराबर बच्चों, तो ये बहुत अच्छे से इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख लीजिए। हमने क्या कहा कि सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ये कौन था बच्चों, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ द आर्क व्हिच इज इंस्क्राइब द इंस्क्राइबिंग द सेंट्रल एंगल। करेक्ट है, बराबर है, ये समझ में आ गया। तो ए एक्स बी का जितना मेजर होगा उतना ही मेजर होगा किसका, सेंट्रल एंगल का, या सेंट्रल एंगल का जितना मेजर होगा उतना ही मेजर कितना होगा सामने वाले आर्क का, जो आर्क उसको इंस्क्राइब कर रहा है। ठीक है बच्चों, ऑल राइट। अब आ जाते रिलेशन बिटवीन इंस्क्राइब एंगल एंड सेंट्रल एंगल। तो बच्चों यहाँ पर सेंट्रल एंगल ये हो गया पी ओ आर, और इंस्क्राइब्ड एंगल उसी पॉइंट से पी एम आर हो गया, पी एम आर हो गया, बराबर। तो ये आप बहुत क्लियरली समझ लो, क्या समझना है यहाँ पर कि देखो जो इसके पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो इंस्क्राइब्ड एंगल क्या था, ये सामने वाले आर्क का, इसका अगर नाम है पी वाई आर दे दूँ, ये है हमारा आर्क। तो इंस्क्राइब्ड एंगल पी वाई आर का क्या होता है, आधा होता है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, बराबर। तो वो प्रॉपर्टी के हिसाब से पी एम आर, एंगल पी एम आर विल बी इक्वल टू हाफ मेजर आर्क पी वाई आर, बराबर, ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के हिसाब से। दूसरी बात अब ये समझ लो कि एंगल पी ओ आर, ये पी ओ आर जो है ये क्या है, ये इक्वल है मेजर आर्क पी वाई आर से, इस प्रॉपर्टी से आया, सेंट्रल एंगल और आर्क का मेजरमेंट सेम होता है। तो फ्रॉम वन एंड टू आई कैन से, फ्रॉम वन एंड टू व्हाट कैन आई से, बराबर, कि जो एंगल थ्री, एंगल पी एम आर जो है, यानी जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो आधा है किसका, एंगल पी ओ आर का। तो इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, ये वाला एंगल जो है ये सेंट्रल एंगल का आधा है, बराबर है। दिस एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल पी एम आर वो सेंट्रल एंगल क्या होगा, आधा होगा। ये बच्चों प्रॉपर्टी याद रखो, किसके बीच में, किसके बीच में, इंस्क्राइब्ड एंगल और सेंट्रल एंगल के बीच में, क्या है इंस्क्राइब्ड एंगल, क्या है सेंट्रल एंगल का आधा। समझ में आया क्या? सो किड्स, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो जब दो कॉर्ड जैसे ए बी है सी डी है इसको एक्सटेंड करके सर्कल के बाहर अगर मिलाया जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, एक एंगल मिलेगा। ठीक है, तो एक रिलेशन है ये एंगल के बीच में, जब दो कॉर्ड एक्सटेंड करके सर्कल के बाहर मिलते हैं और यहाँ पर आपके पास एक आर्क है, करेक्ट, और साथ ही साथ यहाँ पर भी एक आर्क है। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये रिलेशन देता है इस एंगल के बीच में और ये दोनों आर्क के बीच में। तो ये रिलेशन क्या कहता है कि भाई ये जो एंगल है ए ई सी, कौन सा नाम है एंगल का, ए ई सी, बराबर बच्चों। तो ये एंगल ए ई सी जो है ना, डेट इज हाफ ऑफ, वो आधा है किसका, तो हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ टू आर्क्स, हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ टू आर्क्स, मतलब यहां पर बड़ा वाला आर्क कौन सा है, ए सी, तो मेजर आर्क ए सी माइनस छोटा वाला आर्क कौन सा है, मेजर आर्क बी डी। तो ये समझ में आया आपको, बराबर, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा, मतलब इसका एक एग्जाम्पल करके हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए है, उदाहरण के लिए, कि अगर मेजर आर्क ए सी का वैल्यू 40 दिया जाए, मेजर आर्क बी डी का वैल्यू 20 दिया जाए और आपको फाइंड करना है एंगल ए ई सी कितना होगा, तो इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सॉल्यूशन में हमारे एंगल ए ई सी जो होगा वो होगा हाफ, किसका हाफ, तो मेजर आर्क ए सी माइनस मेजर आर्क बी डी के डिफरेंस का, दैट इज हाफ इंटू ये 40 माइनस 20, दैट इज हाफ इंटू 40 माइनस 20 कितना होगा 20,
डेट इस कितना हो गया 10 डिग्री। तो एंगल ए ई सी कितना होगा बच्चों 10 डिग्री इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो इसे बहुत ध्यान से रखना आप कि दो कॉर्ड्स हैं जो सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर एक एंगल बनेगा। वो जो एंगल का मेजरमेंट है अगर मुझे फाइंड करना है तो भाई आप आर्क के डिफरेंस को निकाल दो और डिफरेंस का हाफ जो होगा, डिफरेंस का आर्क के मेजर का डिफरेंस का आधा जो होगा वो इस एंगल का मेजरमेंट होगा। बराबर, इस एंगल का नाम आप ए ई सी बोलिए या बी ई डी बोलिए, एक ही बात है। या बराबर ए ई सी वो भी सही है और बी ई डी भी नाम सही है। किसका? इस एंगल का। समझ में आया? ओके, तो एंगल ए ई सी विल बी इक्वल टू एंगल बी ई डी, दोनों एक ही बात है बच्चों, दोनों नाम लेने बराबर, दोनों एक ही बात है, खाली नाम दोनों के अलग अलग है पर बात एक ही है, मेजरमेंट उसी एंगल की हो रही है। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। जब दो एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं तो क्या होता है उनके बीच में रिलेशन, तो ये बात को समझ लेते हैं। तो ये ऐसा मान लिया जाए, ठीक है, ये एक एंगल है जो इंस्क्राइब्ड है और इसको नाम भी हम दे देते हैं, इसका नाम हम पी क्यू आर कह देते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा एंगल जो है, दूसरा एंगल भी इंस्क्राइब्ड है, बराबर, इसका नाम हम लोग पी एम आर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, पी क्यू आर पी एम आर, बराबर है। अब ये जो इंस्क्राइब्ड हैं ये किन के सामने हैं? तो ये भाई, ये जो हमारा प्यार है पी आर, ये दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल इसी के सामने हैं। अरे करेक्ट है कि नहीं? तो बच्चों, तो एक बात क्लियर समझ लो, इसमें हम क्लियरली कह सकते हैं कि मेजर एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर विल बी इक्वल टू मेजर एंगल पी एम आर, बराबर बच्चों। तो ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर, जब ऐसा कंडीशन होगा तो। तो ये सेम सेगमेंट में, सेम आर्क में जब दो एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं या कितने भी एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं तो उनका मेजर क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर। यहाँ से सेम आर्क मतलब सेम पॉइंट देखो ना, इन दोनों एंगल्स का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, खाली बीच के नाम अलग हैं। तो जब ऐसे एंगल इंस्क्राइब होते हैं सर्कल्स के अंदर तो उनका मेजरमेंट क्या होता है बच्चों, उनका मेजरमेंट इक्वल होता है, उनका मेजरमेंट सेम होता है, करेक्ट है। तो एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क, ये बात आपको समझ में आया होगा इसकी उम्मीद मैं करता हूँ। अब एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, तो ये हमारा सेंटर है, तो ये हमारा एक लाइन है जिसने हमारे सर्कल क्या बना दिया बच्चों, सेमी सर्कल बना दिया है, और डायगोनल ये ए है और ये बी है, ये सेंटर ओ है, बराबर। तो कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल में इंस्क्राइब होता है तो उसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेमी सर्कल यानी कि ये दोनों पॉइंट एंड होना चाहिए, तो यहाँ पर एक एंगल है जिसका नाम है ए एक्स बी, जिसका नाम क्या है, ए एक्स बी। तो ये ए एक्स बी जो है वो सेमी सर्कल में क्या हुआ है बच्चों, सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड हुआ है, सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड हुआ है, बराबर। एक और बना लेते हैं, बराबर, ये ए वाई बी भी, ए वाई बी इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, बराबर, डायगनल से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं तो सेमी सर्कल, बराबर है। तो अब क्या कंडीशन है और क्या जानना है हम इसके बारे में, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो एंगल है ए एक्स बी और ए वाई बी, ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री। तो व्हेन द एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल द मेजर ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। समझ में आया क्या बच्चों, व्हेन द एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल द मेजर ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल ए एक्स बी इज 90 डिग्री, ये 90 है, और एंगल ए वाई बी इज ऑल्सो 90 डिग्री, बराबर, दोनों ही क्या है बच्चों, 90 डिग्री है, करेक्ट है। रीज़न क्या है इसका, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की। बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या समझना हमें, तो ऐसा मान लिया जाए हमारा ये सर्कल है और इस सर्कल में एक क्वाड्रिलैटरल बना है, दिख रहा है बच्चों। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस को टच करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर टच नहीं करेंगे तो साइक्लिक नहीं है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो क्या इस क्वाड्रिलैटरल के चारों पॉइंट सर्कमफेरेंस पर टच कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। और कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है बच्चों, कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो उसके ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब क्या, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी यहीं ख़त्म नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बहुत मज़ेदार प्रॉपर्टीज है, तो उसको थोड़ा और हम लोग बराबर अच्छे से याद करेंगे इस चीज़ को। तो ये याद रख लो, क्या ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ए प्लस सी मिलके 180 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, और ऑपोजिट एंगल कौन है, बी और डी मिलके 180 हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी है किसकी, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की। ऑलराइट, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में हमें समझना है वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। बराबर, कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल ले लूँ, जैसे इसी लाइन पर मैं एक्सटेंड करके यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। बराबर, ये वाले पार्ट को मैं एक्स दे देता हूँ, क्या नाम दे दिया, एक्स। यहाँ पर नाम मैं सपोज वाई ले लूँ ऐसा, तो ये वाई क्यू पी जो एक्स है वो एक्सटीरियर एंगल बन गया। बराबर, तो ये किसको इक्वल होगा, तो इसका एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट माने इसका बाजू वाला कौन है, इसका बाजू वाला ये एंगल है, तो इसको इक्वल नहीं होगा। वो बाजू वाले के जो ऑपोजिट होता है ना, बाजू वाले का जो ऑपोजिट एकदम सामने वाला, एकदम उसका सामने वाला यानी कौन, एंगल एस, इसको इक्वल होगा। तो एस भी कितना होगा, एक्स होगा। समझ आया नहीं समझा, बराबर है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जो है वो इक्वल होता है, किसको इक्वल होता है, उसके एडजेसेंट के ऑपोजिट को, उसके एडजेसेंट के ऑपोजिट को। तो अब आपको बताना है, बराबर, अगर मैंने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल को लागू कर दिया, यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया, और ये मेरा सपोज एक्सटीरियर एंगल हो गया, और इसका नाम मैंने यू दे दिया, क्या दे दिया, यू। तो ये यू किसको इक्वल होगा, तो ये यू का एडजेसेंट कौन है, यू का एडजेसेंट ये है, ये वाला पॉइंट, और उस एडजेसेंट का सामने कौन है, इसका सामने है पी, तो ये जो पी है ये यू होगा। समझ में आया, तो एडजेसेंट एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू the opposite of its adjacent angle, the opposite of its adjacent angle, बराबर है। तो यहाँ पर जो एंगल x है वो एंगल s को congruent होगा, एंगल s को congruent होगा, और यहाँ पर जो एंगल u है वो एंगल p को congruent होगा। इसी तरह से आप बाकी भी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो, सिमिलरली फॉर एंगल p और एंगल s के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, किसको, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर। तो अब समझ लो आप लोग, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या कहता है। तो कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये कहता है कि भाई कोई भी कैसा भी टाइप का क्वाड्रिलैटरल हो, कोई भी कैसा भी टाइप का क्या हो, क्वाड्रिलैटरल हो, यहाँ पर इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, बी दे देता हूँ, सी और डी, तो ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है। अगर इफ़ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, तो अगर ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स के पैर, बराबर, इसका पैर और इसका पैर, इसका पैर और इसका पैर, ये जो ऑपोजिट एंगल के पैर हैं ये मिल के अगर सप्लीमेंट्री होते हैं, मिलकर अगर ये सप्लीमेंट्री होते हैं, बराबर, देन गिवन क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक, तो दिया हुआ क्वाड्रिलैटरल क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो दिया हुआ क्वाड्रिलैटरल कोई और नहीं, क्या होगा बच्चों, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा। कब, जब किसी भी क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, यानी मिलके 180 डिग्री हैं,
तो वो क्वाड्रिलैटरल कोई और नहीं, कौन सा क्वाड्रिलैटरल होगा बच्चों, वो क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा साइक्लिक। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना आप लोग, बराबर, प्रूफ करने में बहुत काम आएगा ये चीज़। क्या 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 कहा हमने कि अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट साइड्स को हमने सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दिया, साइड्स को नहीं, एंगल्स को, ऑपोजिट एंगल्स को, बराबर, आई बेग योर पार्डन, अगर हमने कोई भी क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स को क्या प्रूफ कर दिया बच्चों, हमने उसे अगर सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दिया, बराबर, तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन जाएगा। कौन सा क्वाड्रिलैटरल बन जाएगा, ऐसा वैसा नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम जरा कॉनसाइक्लिक के प्रॉपर्टी को समझते हैं, बराबर, जो कॉनसाइक्लिक का प्रॉपर्टीज है वो समझते हैं। कॉनसाइक्लिक माने चारों पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक ही सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर गिर रहे हैं, ये हो जाएगा किसका मतलब, कॉनसाइक्लिक का मतलब बच्चों। तो मान लिया जाए कि ऐसा एक लाइन सेगमेंट है, बराबर, ऐसा एक लाइन सेगमेंट दे दिया है और यहाँ पर हमें ये ए और ये जो पॉइंट है ये डी दिया है, ठीक है बच्चों। तो इसे आप आगे ऐसे समझिए, इस ए से एक एंगल निकला, लाइन ए डी है उसके ऊपर की तरफ, और इसी ए से एक और एंगल निकला, इसको आपने बी दे दिया, इसको आपने सी दे दिया, बराबर है। तो ये जो बेस है उसके सेम साइड पर एंगल बी भी बन रहा है और एंगल सी भी बन रहा है बच्चों, बराबर है। इसका नाम ए बी सी है और इसका नाम ए सी डी है। तो इफ़ एंगल ए बी सी, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, यानी ये एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, बराबर है, देन पॉइंट्स ए बी सी डी आर कॉनसाइक्लिक। तो पॉइंट्स ए बी सी डी क्या हो जाएंगे बच्चों, ये सारे पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक हो जाएंगे, बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे की तरफ सेम साइड पर, हाँ बच्चों, सेम साइड पर, सेगमेंट के सेम साइड पर, अगर इसके नीचे की तरफ यहीं से दो एंगल ओरिजिनेट हो रहे सेम, और दोनों का वैल्यू अगर सेम है, बराबर, दोनों का वैल्यू क्या है, अगर सेम है, इक्वल है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी क्या हो जाएंगे, कॉनसाइक्लिक। मतलब अगर एक सर्कल बनेगा, अगर एक सर्कल बनेगा तो ये सारे पॉइंट्स उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर फॉल करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम में ये बहुत ज़्यादा काम आता है बच्चों। ऑलराइट, अब ये बहुत ही मज़ेदार प्रॉपर्टी है बच्चों। हमने इनिशियली क्या किया था, जब कॉर्ड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही थी तब हमने एक प्रॉपर्टी किया था, अगर दो कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करे तो प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पर एक ये एंगल है, इसका नाम दे सकते हो आप ए ई सी, और एक ये एंगल जिसका नाम आप दे सकते हो बी ई डी। तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए ई सी विल बी इक्वल टू एंगल बी ई डी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बराबर। और ये कितने होंगे, तो ये फाइंड करने के लिए बच्चों देखो, ये किसके सामने है, इस आर के सामने, और ये किसके सामने, इस आर के सामने। तो इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ, बराबर, हाफ ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ बोथ दिस आर्क। तो मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी डी, ठीक है बच्चों। तो ये बात बहुत अच्छे से आप याद रखना, ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर हमने ये वाला एंगल ले लिया जिसका नाम है एंगल ए ई डी, तो ये किसको इक्वल हो जाएगा, ये इसको इक्वल हो जाएगा जिसका नाम है बी ई सी, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इनटू सम ऑफ मेजर आर्क। तो इसके सामने आर्क कौन सा है, ए डी है, ए डी प्लस मेजर आर्क, इसके सामने आर्क कौन सा है, आर्क बी सी। आ गया समझ में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, ठीक है। सो दिस इज़ इट, मतलब इतने प्रॉपर्टीज़ 3.4 के लिए इनफ है। अगर इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हैं 3.4 के, अगर समझ में आ गया है, एक्सरसाइज के तरफ बढ़ने से पहले बच्चों एक ही हिंट दूंगा कि आप इसके नोट्स बनाओ, बराबर, प्रॉपर्टीज़ के नोट्स बनाओ, प्रॉपर्टीज़ के नोट्स एज इट इज़ जैसे मैंने किए वैसे कीजिए, बराबर, उसे एक दो बार रिवाइज़ कीजिए, एंड देन ओनली यू मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट। उससे पहले एक्सरसाइज की तरफ मूव नहीं करने का, ठीक है। तो पहले आप इसके जो बेसिक्स है, बेसिक्स को अच्छे से समझ लीजिए। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनी
एनी पार्ट, यू कैन गो टू योर टेक्स्ट बुक, यू कैन रिवाइज इट, बराबर वो पार्ट को वहाँ से भी एक बार रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके बाद ही एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर एक्सरसाइज 3.4, ये सारे कंसेप्ट लगने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 में।